नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 24 की चाबी उत्तर प्रदेश में कहां है? क्या उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का रास्ता अयोध्या से निकलेगा? उत्तर प्रदेश में मोदी का चेहरा 14 और 19 में खूब चला और 24 में भी चलेगा। मोदी के नाम पर उत्तर प्रदेश में खूब वोट पड़ेगा, स्कोर बोर्ड पर बीजेपी की सीटें भी बढ़ेंगी। तो क्या 24 का चुनावी रिजल्ट वही होगा जिसका दावा बीजेपी कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80, सपा 0, बसपा 0 और कांग्रेस भी 0 हो जाएगी? योगी ग्राउंड पर एक्टिव हैं, 2024 की फाइनल टैली में 80 सीट जोड़ने का दावा कर रहे हैं और विरोधी खेमे में तो बस सीटों को लेकर खींचतान जारी है। मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की उत्तर प्रदेश से नई गारंटी क्या है? उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का ताजा सर्वे हमारी इस रिपोर्ट में देखिए आप। योगी अचानक टैंक पर क्यों चढ़ गए? योगी आकाश मिसाइल के साथ क्यों खड़े हुए? इलेक्शन में योगी की सबसे बड़ी मिसाइल क्या है? 24 के इलेक्शन में योगी का टारगेट क्या है? 24 के लिए योगी के पास ऐसी मशीन है जो यूपी में सीधे सीधे 80/80 स्कोर करेगी, एक एक सीट को आसानी से हिट कर लेगी। बाईस जनवरी के बाद अयोध्या यूपी का इलेक्शन सेंटर बनेगा। अयोध्या से राम लहर उठेगी तो अमेठी में कितना वोट बढ़ेगा? बरेली में बीजेपी को कितना फायदा होगा? रायबरेली में राम लहर का क्या इंपैक्ट होगा? यादवलैंड वाली मैनपुरी में क्या होगा? प्रयागराज में बीजेपी को कितना बूस्ट मिलेगा? जाटलैंड के मुजफ्फरनगर, कैराना, शामली और सहारनपुर में क्या असर होगा? राम लहर से बीजेपी पूरा यूपी कवर कर पाएगी? बीजेपी पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को क्या जोड़ पाएगी या फिर ये लहर बीच में ही रुक जाएगी? ये तो करीब करीब तय है कि 22 जनवरी को जो मंदिर में फूल चढ़ाएगा, जो श्री राम का अक्षत पूजेगा, प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो अपने घर में दिया जलाएगा, चुनाव में वो कमल का बटन ही दबाएगा। सवाल है कि राम लहर से यूपी में मोदी का कितना वोट बढ़ेगा? रामलला के नाम पर योगी की सीट कितनी बढ़ेगी? ये सब बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि मोदी के विरोधी यूपी में क्या प्लान बना रहे हैं, मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। राम लहर कहीं कांग्रेस पर कहर न बन जाए। यूपी में एक सांसद वाली कांग्रेस का स्कोर जीरो ना हो जाए, इसीलिए कांग्रेस यूपी में सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला लेकर आई है। इंडी अलायंस में कांग्रेस अब यूपी में 50% का स्टेक मांग रही है, 40 सीट की डिमांड कर रही है। इनमें मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बरेली, खीरी, धौरहरा, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फर्रुखाबाद, कानपुर, अकबरपुर, झांसी, बाराबंकी, फैजाबाद, बहराइच, गोंडा, डुमरियागंज, महाराजगंज, कुशीनगर शामिल हैं। गौर कीजिए, ये वो सीटें हैं जहां कांग्रेस 2014 और 2019 में बुरी तरह हारी थी। रायबरेली सीट ही जीत पाई। 14 में अमेठी से राहुल जीते थे, 19 में वो हार गए, मगर ये वो सीटें हैं जो 2009 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। यूपी में अलायंस के लिए कांग्रेस पार्टी ने 2009 के फॉर्मूले पर जाने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि 2009 में कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें जीती थी, कम से कम उतनी सीटें 2024 के चुनाव में भी उसे लड़ने के लिए मिलनी चाहिए। और जब नेगोशिएटिंग टेबल पर कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ बैठेंगे तो यही बात अखिलेश यादव को बताएंगे। साथ ही कांग्रेस पार्टी मानती है कि बीते दिनों मुस्लिम वोटर्स जो हैं उनका रुझान कांग्रेस की तरफ हुआ है और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस की तरफ आएंगे। ऐसे में अगर अखिलेश यादव भी कांग्रेस के साथ न जाने का फैसला करें तो उसमें नुकसान उनका भी होगा, क्योंकि मुस्लिम वोटर के बट जाने से फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। कांग्रेस की अपनी इंटरनल कमेटी ने रिपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष को सौंपी, उसके बाद फैसला लिया गया कि अब जल्द तमाम जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नेताओं से बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाएगा और अब शायद अगले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के साथ भी बातचीत कर सीटों पर अंतिम फैसला
लेगी और फिर ये तय होगा कि यूपी में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब ये समझ लीजिए कि कांग्रेस का 2009 का फॉर्मूला क्या है। 2009 में कांग्रेस ने 69 सीटों पर चुनाव लड़ा, इसमें से 20 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। कांग्रेस का वोट शेयर 18.25% था। इंडी अलायंस में सीटों के बंटवारे पर बात शुरू हुई है, ऑफिशियली अब भी कुछ नहीं हो रहा। जो हो रहा है वो बैक चैनल से हो रहा है, बैक डोर चैनल से ही सब सीटों की डिमांड बढ़ा रहे हैं, फिर चाहे वो अखिलेश हो, कांग्रेस हो या फिर RLD। कांग्रेस 2009 का सैंपल प्रेजेंट कर रही है तो अखिलेश 2022 का फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 17 के मुकाबले समाजवाद की साइकिल फुल स्पीड में दौड़ी, हालांकि अखिलेश तब भी जीत नहीं पाए। समाजवादी पार्टी 111 सीटें जीती और वोट शेयर 32.06% रहा। इस चुनाव में सपा की 64 सीटें बढ़ी और वोट शेयर 10.24% इंक्रीज हुआ। इस लिहाज से अखिलेश यूपी में खुद को इंडी अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी बता रहे हैं और सबसे ज्यादा सीटों पर दावा कर रहे हैं। कांग्रेस 50-50 के फॉर्मूले पर निगोशिएशन कर रही है। 2024 का चुनाव अखिलेश के लिए विरासत और सियासत दोनों का सवाल है, इसीलिए 24 के चुनाव में अखिलेश पूरा जोर लगा रहे हैं। सारे बड़े दांव और सारे बड़े नाम उतार रहे हैं। सीट शेयरिंग पर सहमति भले ही न बनी हो, गठबंधन का गणित सॉल्व न हुआ हो, लेकिन अखिलेश 24 के पोटेंशियल कैंडिडेट्स की लिस्ट बना रहे हैं। अखिलेश का प्लान यूपी की 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का है। करीब 18 सीटों पर अखिलेश ने पोटेंशियल कैंडिडेट्स की लिस्ट को फाइनल कर दिया है। ये सीटें हैं कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, आजमगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद, लखनऊ, घोसी, अम्बेडकर नगर और फैजाबाद, कौशाम्बी, उन्नाव, मुरादाबाद, बस्ती, गोरखपुर, गाजीपुर, सलेमपुर और फतेहपुर। फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, फैजाबाद, मुरादाबाद, यानी जहां जहां मुस्लिम वोट का मैग्नेट है वहां कांग्रेस भी अपना कैंडिडेट उतारना चाहती है और सपा भी दावा कर रही है। SP के इन हैवीवेट कैंडिडेट की लिस्ट में अखिलेश यादव का भी नाम है और उनकी पत्नी और समाजवादी सांसद डिंपल यादव का भी। अखिलेश कन्नौज से और डिंपल यादव दोबारा मैनपुरी से मैदान में आएंगी। बदायूं से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से शिवपाल या फिर उनके बेटे अक्षय यादव। जाट बाहुल्य सीटों पर जैन चौधरी भी अपनी अलग तैयारी कर रहे हैं। वेस्टर्न यूपी में कहावत है, जिसके साथ जाट उसकी ठाट। यूपी में 18 सीटों पर जाट फैक्टर चलता है। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, नगीना, हाथरस, अलीगढ़, फतेहपुर सीकरी में जाट हार जीत तय करने की ताकत रखता है। जैन चौधरी इन जाट बाहुल्य सीटों में से मेरठ, मथुरा, बिजनौर और बागपत की सीटों की डिमांड कर रहे हैं। जिस तरीके से इंडी अलायंस की पार्टियां सीटों की डिमांड कर रही हैं, जिस तरीके से गठबंधन की बात चल रही है, उसमें तीन सिनारियो सामने आ रहे हैं। पहला तो यही लग रहा है कि इंडी अलायंस में मायावती की एंट्री नहीं होगी, तब बीजेपी का मुकाबला अखिलेश प्लस राहुल प्लस जैन से होगा, मायावती अलग से मैदान में आएंगी। दूसरा ये कि गठबंधन में माया की एंट्री होगी, 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह ही बुआ बबुआ एक साथ नजर आएंगे, लेकिन इस बार कांग्रेस का हाथ भी बुआ बबुआ के साथ नजर आएगा। जैन चौधरी भी स्टेज पर एक साथ नजर आएंगे, मतलब फॉर्मूला SP प्लस BSP प्लस कांग्रेस प्लस RLD का होगा, लेकिन इस फॉर्मूले में बहुत पिंच। और तीसरा ये कि सब बीजेपी के सामने अलग अलग आएंगे। बीजेपी तीनों ही रास्ते से 70 प्लस पर जा रही है। यूपी में बीजेपी 80/80 के फॉर्मूले पर काम कर रही है। यूपी में बीजेपी राम मंदिर का मॉडल और राम का नाम फ्रंट पर रखेगी। मोदी लीड करेंगे और योगी फुल सपोर्ट करेंगे। अगर कुछ बच जाएगा तो उसे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से मैच किया जाएगा। मतलब ये कि बीजेपी का प्लान राम मंदिर प्लस नरेंद्र मोदी प्लस योगी आदित्यनाथ प्लस मोदी की गारंटी। जब राम, प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा मंदिरों में होने वाला है, अब ये कोई न कोई दंगा कराना चाहते हैं, भेदभाव कराना चाहते हैं, कोई ऐसी घटना घटित करना चाहते हैं जिससे
राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में खलल पैदा हो जाए। आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में ये वो फॉर्मूला है जिसकी कार्ड विपक्ष के पास नहीं है। इस फॉर्मूले में अगड़ा, पिछड़ा और ओबीसी सब मोदी के साथ खड़ा है। अल्पसंख्यक भी और आधी आबादी भी यूपी में मोदी योगी के नाम पर वोट करेगी, क्योंकि बीजेपी के पास राम नाम का फेविकोल है जो यूपी के 80% सनातन आबादी को मोदी से जोड़ता है। हिंदू जब मोदी के सपोर्ट में खड़ा होता है तो क्या रिजल्ट आता है, इसको पहले आप 2014 के चुनावी रिजल्ट से समझिए। में मोदी ने पहली बार यूपी के वाराणसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा पूरे यूपी में चला। रिजल्ट में भी मोदी का मैजिक दिखा। पहले ही चुनाव में मोदी ने वो कर दिखाया जो यूपी में कोई सोच नहीं सकता था। 2009 में जो बीजेपी 10 पर थी वो मोदी मैजिक के साथ 71 सीट पर पहुंच गई। सीट में 61 सीट का उछाल और 24.8% की स्विंग के साथ वोट शेयर 42.63% का हो गया। तो वहीं बीजेपी के अलायंस पार्टनर अपना दल को भी 2 सीटें मिली। 2009 में अपना दल का खाता भी नहीं खुला था। यूपी में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें 2014 में ही मिली, तो वहीं समाजवादी पार्टी को जबरदस्त डैमेज हुआ। 2009 में 23 सीट वाली एसपी 5 सीट पर सिमट गई। वोट शेयर में भी 1.06% का डेंट लगा। वोट शेयर 22.35% का रह गया। कांग्रेस को तो इसी चुनाव में बीजेपी ने यूपी में साइडलाइन कर दिया। 2009 में 20 सीट लाने वाली कांग्रेस यूपी में सिर्फ 2 सीट की पार्टी हो गई। 18 सीट का कांग्रेस को नुकसान हुआ। मायावती का तो इस चुनाव में सब कुछ चला गया। 20 सीट वाली मायावती का 2014 में खाता भी नहीं खुला। 2014 में मायावती का नंबर 0 रहा। मायावती का दलित वोटर भी बीजेपी के पाले में चला गया। करीब 20% वोट शेयर वाली बीएसपी 7.82% वाली पार्टी हो गई। आरएलडी का हाल भी मायावती की तरह ही हुआ। 5 सीट वाली आरएलडी का स्कोर भी 2014 में 0 ही रहा। अब ये मान लीजिए कि विरोधी एकजुट होकर मोदी के सामने मैदान में आए तो क्या होगा, इसका ट्रेलर आप 2019 के चुनावी नतीजों से समझ सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश और मायावती ने महागठबंधन बनाया। मायावती ने अपनी सियासत को बचाने के लिए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड का रंज भुलाया, अखिलेश और मुलायम के साथ मन सजाया, डिंपल ने पैर छुए तो मायावती ने गले लगाया। लेकिन इतना कुछ करने के बाद रिजल्ट में नंबर कुछ बदल नहीं पाया। इतना जरूर हुआ कि मोदी की पार्टी की सीटें थोड़ी कम हो गई। 71 सीट वाली बीजेपी 62 पर आ गई। अखिलेश और मायावती के गठबंधन का फायदा सिर्फ मायावती को मिला। मायावती की सीटें बढ़कर 0 से 10 हो गईं, लेकिन अखिलेश का नंबर वही रहा। अखिलेश को 2019 में भी 5 सीटें ही मिली। कांग्रेस की हालत तो पहले से भी खराब हो गई। राहुल, स्मृति ईरानी के आगे अमेठी जैसा सेफ किला भी हार गए। 2 सीट वाली कांग्रेस के पास सिर्फ रायबरेली की 1 सीट बची। 2019 के चुनाव में सीटों के उलटफेर से ज्यादा दिलचस्प आंकड़ा वोट शेयर का था, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी ने वो बेस बनाया जिसका इंपैक्ट 2024 में नजर आया। 2019 के चुनाव में बीजेपी की सीटें जरूर थोड़ी कम हुई, लेकिन वोट शेयर घटने के बजाय और बढ़ा। 2014 के मुकाबले वोट शेयर का ग्राफ 7.35 चढ़ा। 42.63% से बीजेपी के वोट शेयर का ग्राफ करीब करीब 50% का हो गया। एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो आंकड़ा 49.98% का हो गया, जबकि सभी पार्टियों का वोट बैंक खिसक गया। मायावती का वोट शेयर 0.34% कम होकर 19.43% का रह गया, तो अखिलेश का MY वाला वोट बैंक 4.24% से डिक्रीज हुआ और 2019 में 18.11% रहा। वोट शेयर कितना मायने रखता है, इसका इम्पैक्ट रामपुर और आजमगढ़ में दिख चुका है और अब ये 2024 में फिर दिखेगा। अखिलेश को जो 5 सीटें मिली थी उपचुनाव में बीजेपी ने, उसमें से भी 2 सीटें दोबारा छीन ली। बीजेपी को चुनाव में ये जीत यूं ही नहीं मिलती, इसके पीछे बीजेपी की चुनावी स्ट्रेटजी और फुल मशीनरी होती है।